नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में कोरोना की स्थिति को लेकर। बिहार में जारी कोरोना महामारी बीच में एक अच्छी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि 28/9/2021 को बिहार में कोरोना के नए मरीजों की पुष्टि नहीं हुई है। इसका मतलब हुआ कि 28 सितंबर को बिहार में एक भी कोरोना के मामलों की पुष्टि नहीं हुई है, यानी कि एक भी नए मरीज नहीं मिले हैं। ऐसे में अब बिहार को कोरोना मुक्त बिहार माना जा रहा है। बिहार स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार राज्य में 1,44,185 सैंपल की जांच की गई, लेकिन इसमें किसी भी बिहार के व्यक्ति के सैंपल में कोरोना संक्रमण नहीं पाया गया। इधर राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपाल निदेशक संजय कुमार सिंह के अनुसार पटना में असम के एक व्यक्ति का सैंपल पाया गया है, वह पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि दूसरे राज्य के मामले को अपने राज्य में नहीं जोड़ा जा सकता। इस दौरान उन्होंने यह भी बताया कि पिछले कुछ दिनों से आंकड़े से यह लगता है कि कोरोना संक्रमण बहुत ही सीमित हो चुका है। हालांकि उन्होंने यह भी माना कि चुनौती अभी समाप्त नहीं हुई है। उन्होंने इस दौरान लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना नियमों का पालन करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि पिछले माह के दौरान यह पहली बार है जब राज्य के किसी भी नागरिक के सैंपल में कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया है। वहीं इससे पहले सोमवार को 3 लोगों के सैंपल पॉजिटिव पाए गए थे। इसमें बेगूसराय जिले में 1, भोजपुर जिले में 1 और दरभंगा जिले में 1 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया गया था। आपको बता दें कि बिहार में अनलॉक 7 लागू है। अनलॉक 7 के तहत आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाने की बात कही गई है। ऐसे में अब यह तय हो गया है कि छोटे बच्चे भी स्कूल जा सकते हैं। इससे पहले कॉलेज यूनिवर्सिटियों को खोला गया था, उसके बाद हाई स्कूल और फिर मिडिल स्कूल और उसके बाद फिर प्राथमिक विद्यालयों को खोला गया। अब जब प्रदेश में अनलॉक 7 प्रभावी है तो ऐसे में छोटे बच्चे स्कूल जो है जा सकते हैं। हालांकि सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि हमें कोरोना से बच कर रहना है, यानी कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। 2 गज दूरी मास्क है जरूरी वाले नियम को पालन करना होगा। प्रदेश में अगले महीने से दशहरा और फिर उसके बाद दीपावली और फिर छठ जैसे पर्व आ रहे हैं। ऐसे में बिहार सरकार ने दशहरा को लेकर गाइडलाइन जारी कर दिया है ताकि कोरोना के मामलों में वृद्धि ना हो सके। साथ ही इसको लेकर जिला प्रशासन को भी सतर्क रहने की बात कही गई है। वहीं अगर हम बात प्रदेश में कोरोना के मामलों को देखें तो जमुई, गया, बक्सर, कैमूर, जहानाबाद और बांका पूरी तरह से कोरोना फ्री हो गया था, लेकिन बाद के दिनों में एक बार फिर से मामले देखे जाने लगे, जिसके बाद सभी जिलाधिकारियों द्वारा जिला के लोगों को अपील की गई कि कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार एवं जिला प्रशासन द्वारा निर्गत निर्देशों का अनुपालन करें। प्रदेश में अब तक जो है 5.40 करोड़ यानी कि 5,40,00,000 लोगों को टीकाकरण किया गया, जिसमें से 4,33,00,000 लोगों को पहला डोज मिला है, जबकि 1,06,00,000 लोगों को जो है दूसरा डोज दिया जा चुका है। बिहार में फिलहाल एक्टिव मरीजों की संख्या 52 है। ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि अब जब कोरोना के मामलों में कमी आई है तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भी बिहार जो है कोरोना मुक्त राज्यों की लिस्ट में शामिल होगा। तो बिहार की तरफ से जो है एक तरह से कह लें कि कोरोना को लेकर जो है एक अच्छी खबर सामने आई है, जिसमें बिहार में कोई भी कोरोना मरीज की पुष्टि नहीं हुई है, नए कोरोना मरीजों की पुष्टि नहीं हुई है। एक मरीज की पुष्टि हुई है, वह भी जो है असम से बिहार आए थे, उनमें जो है कोरोना संक्रमितों की मामला सामने आया। फिलहाल बिहार में 52 जो है एक्टिव मरीज हैं, जो कि पहले से एक्टिव हैं। नए मरीजों की संख्या में जो है लगातार कमी देखी जा रही है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।